जिनकी बढ़ती उम्र मानो थमसी गई है, उनकी सुंदरता और चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई। आज बात ऐसी ही खूबसूरत पर्सनालिटी की, और वो है ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी। में तमिलनाडु के अमनकुड़ी जिले में हेमा मालिनी का जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम आर चक्रवर्ती था, पर फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम हेमा मालिनी रख लिया। उनके पिता का नाम वी एस आर चक्रवर्ती और माता का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि प्रोड्यूसर थे। हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की। 1963 में तमिल फिल्म इथु सथियाम से अपने अभिनय से शुरुआत की, लेकिन उन्हें वहां ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ निर्माता ने उन्हें ये तक कहकर फिल्मों के लिए मना कर दिया कि उनमें अभिनेत्री वाली क्वालिटी ही नहीं है। इसी साल इनकी पहली हिंदी फिल्म सपनों के सौदागर भी रिलीज हुई, लेकिन उनको पहली बार लीड रोल मिला। 1970 में फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था। इसके बाद तो मानो हेमा मालिनी की हर फिल्म हिट होने की गारंटी बन जाती थी। आगे आगे देखें होता है क्या। इसी दौरान धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी ने भी बड़े पर्दे पर धूम मचा दी। वर्ष 1975 में हेमा मालिनी की फिल्म शोले आई, और जिसने पूरे फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। उस फिल्म के बाद से हेमा को लोग बसंती ही बोलने लगे। हेमा ने अपनी फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्में देवानंद, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ की, और करीब 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बता दें, हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल, और अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल उनके सौतेले बेटे हैं। वहीं हेमा ने पहली बार 1992 में फिल्म का निर्देशन किया, जिसका नाम था दिल आशना। इस फिल्म के जरिए उन्होंने शाहरुख खान को ब्रेक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हेमा के बहुत बड़े फैन थे। जब हेमा उनसे पहली बार मिली थी तो वाजपेयी बहुत शर्मा रहे थे। हेमा मालिनी ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद से हेमा राजनीति में सक्रिय रहे, और आज भी हेमा 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी से मथुरा में सांसद हैं। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा ने बागवान के साथ वापसी की, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा हेमा मालिनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में हेमा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।